हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं लॉ पढ़ेंगे। GS4 का जो अप्लाइड पार्ट है ये लेक्चर उस बारे में है। इस लेक्चर में हम लॉ की डेफिनेशन समझेंगे, लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे, और मोरालिटी और लॉ में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। बेसिक डेफिनेशन आई थिंक अभी आपको समझ में आ गई होंगी, जो बेसिक लेक्चर आपको मिला है। तो इस अप्लाइड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर फ्री नहीं रहने वाले, GS4 हेयर और यहाँ पर 2021 के लिए यहाँ पर आप स्पेशल कोर्स और मेंस क्लासरूम और कोर्सेज 2020 में स्पेशल कोर्स और यहाँ पर मेंस क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हो। सो वेलकम टू द लेक्चर। सबसे पहले लॉ समझते हैं क्यों नेसेसरी है। जब आप इस GS4 का सिलेबस पढ़ते हो तो यहाँ पर कैंडिडेट का एटीट्यूड और अप्रोच इशू टेस्ट करता है ये पेपर। तो एटीट्यूड और अप्रोच डिस्कस करने के लिए लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस और एथिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एसेंस ऑफ एथिक्स की बात करो तो इसमें हम मेनली एसेंस मतलब एथिक्स बना किससे है, तो सबसे पहले आई थी वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद मोरालिटी, उसके बाद आई एथिक्स और एथिक्स से आया लॉ। अगर सिंपल डिफरेंस है, वैल्यूज़ मतलब ऑल यूनिवर्सल प्रिंसिपल, दुनिया में जो भी अच्छा बुरा है, चोरी करने से लेके हंसना रोना, एवरीथिंग इज़ वैल्यू। मोरालिटी मतलब वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, मेरी खुद की मोरालिटी, मेरी खुद की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, जैसे मुझे चोरी करना पसंद है लेकिन मुझे ईमानदारी भी पसंद है, तो ये मेरी मोरालिटी। एथिक्स मतलब वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, और लॉ का मतलब है कोडिफाइड एथिक्स। जब हम उन्हीं वैल्यूज़ को एथिक्स में कन्वर्ट करके फिर कोडिफाई कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज लॉ। तो लॉ यहाँ पर पढ़ना है। देन इसके बाद अगर आप सिलेबस में देखो तो जो ये यूनिट नंबर 6 है, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू, यहाँ सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो आपको तब तक एथिकल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी जब तक कि आप इनकी रिक्वायरमेंट आपको एथिकल बिहेवियर के लिए है। तो क्वेश्चन आपके लिए मेंस में जो अप्लाइड क्वेश्चन है, एक बार पूछ चुका है कि लॉ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ऑब्वियसली आपको बताना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, आप इस टॉपिक के बाद, इस लेक्चर के बाद करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन है व्हाई एथिक्स एंड लॉ आर नॉट द सेम। दूसरा क्वेश्चन है एथिकल बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ट डिफाइंड विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ, इसको आप एलेबोरेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ समझते हैं, लॉ क्या होता है। एथिक्स तो हमने बात करी ली ना, कि ऐसी वैल्यूज़ जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। अब लॉ क्या है? इट इज़ अ कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड, ये कीवर्ड याद रखना, मिनिमम स्टैंडर्ड है एथिक्स। लॉ, एथिक्स इज़ मैक्सिमम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो लॉ इज़ कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड किस चीज़ का? ऑफ सोशल वैल्यूज़, जैसे मैंने कहा आपको वैल्यूज़ के बारे में होता है लॉ, विच आर म्यूचुअली एग्रीड एंड कोडिफाइड, जो म्यूचुअली एग्री की हुई हों। अब लॉ बनाने वाले कौन होते हैं? आपका पार्लियामेंट हो सकता है, जुडिशरी होती है। तो म्यूचुअली एग्रीड कैसे? आपने कहा कि आपके नेता ने एग्री कर लिया, नेता को वोट तो आपने दिया था ना, नेता आप ही के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लॉ इस तरह से म्यूचुअली एग्रीड और कोडिफाइड है। अदर वर्ड्स में अगर हम इसे देखें तो दिस इज़ कोडिफाइड एथिक्स। तो लॉ की अगर डेफिनेशन की बात करो, कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज़, ये जरूर याद रखना, और कोडिफाइड एथिक्स याद रखना। अगर और रिफाइंड डेफिनेशन चाहिए तो लॉ इज़ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि गवर्नमेंट क्रिएट करती है किस चीज़ के लिए? टू गवर्न द होल सोसाइटी। तो लॉ के साथ क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड, और इन्फोर्सिंग इनकी होती है। अब एथिक्स है, जैसे मैंने बात की, एथिक्स इज़ वैल्यू ऑफ सोसाइटी। ठीक है, खाप पंचायत की अलग एथिक्स हो सकती हैं, लड़कियों के व्हाट्सएप ग्रुप की अलग एथिक्स हो सकती हैं, और जो आंटियों के व्हाट्सएप ग्रुप की अलग एथिक्स हो सकती हैं। मोरालिटी, जैसे मैंने बात की, इट इज़ वैल्यू ऑफ माइन, किसी एक इंसान की वैल्यू है। लेकिन लॉ क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लॉ की जो खास बात है, इट सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, एथिक्स आपके मैक्सिमम स्टैंडर्ड बताती है, मतलब हाईएस्ट, बस झूठ मत बोलो चाहे मर जाओ, ये एथिक्स बताती है। तो इसमें फॉलो करने वाले बहुत लोग नहीं होते हैं, इसके लिए आज तक एक ही इंसान कहा जाता है जो प्योरली एथिकल है, उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसके अलावा और कोई भगवान भी इतने बड़े एथिकल नहीं हो पाए हैं। तो एथिकल होने में उनको भी क्या इश्यूज आए थे, वो कॉमन इंसान, आम आदमी तो खैर कैसे ही करेगा। तो ये लॉ और एथिक्स में डिफरेंस है कि लॉ आपका मिनिमम स्टैंडर्ड, बोला इतना तो करना ही, ये नहीं करोगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, आप जेल जा सकते हो, आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, दिस इज़ लॉ। मोरालिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, रूल ऑफ राइट कंडक्ट एज पर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए रूल ऑफ राइट कंडक्ट क्या है, दैट इज़ मोरालिटी। इसका अगर आप वायलेशन करो तो इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है इंडिविजुअल कंसाइंस को, मेरी अंतरात्मा को इससे प्रॉब्लम हो सकती है और सोशल सैंक्शंस मेरे ऊपर लगाए जा सकते हैं। सोसाइटी यही, चलो भैया आज से आप झूठ बोलते हो, आज से हम आपसे बात करना बंद कर देंगे, आप लड़कियाँ छेड़ते हो तो हम आपको अपनी सोसाइटी में एंटर नहीं करने देंगे। आप बैचलर हो तो फिर आपको मुंबई में या फिर बेंगलोर में तो मिल जाएगा, मुंबई में आपको किसी अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलेगा। अब किसी स्कॉलर की डेफिनेशन पर आते हैं, सेंट थॉमस एक्विनास। जब भी आप लॉ पढ़ोगे तो इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स जो दिए हुए हैं लॉ के बारे में, तो GS4 के लिए इनका नाम रट लो, बस बहुत है। लॉ इज़ एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीज़न। इसका जो मेन काम है, एक ऐसा ऑर्डिनेंस ऑफ रीज़न है, रीजन्स बताता है जिसका है कॉमन गुड, और इसको वो प्रमलगेट करता है जिसे कम्युनिटी की केयर हो। ठीक है, अब घर में भी लॉ बनाए जाते हैं, घर के लॉ अगर आप वायलेट करते हो तो आपको क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है। तो जिसको भी कम्युनिटी की केयर हो, ऐसे रीज़न फॉर कॉमन गुड हैं, ये सेंट थॉमस एक्विनास ने सिंपल डेफिनेशन लॉ की बताई थी। ठीक है, और ये प्रोमलगेटेड बाय हिम। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉ कोई ना कोई बनाता है, लॉ आर मोस्टली रिटन और अनरिटन, ये मोस्टली बहुत ही क्लियर होते हैं। इसको अभी हम डिफरेंसेस में देखेंगे। अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें, जहाँ आप और मैं रहते हैं, तो ये सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल है जो एक लेजिस्लेचर द्वारा इनेक्ट किया जाता है। सपोज़ अभी आप कह देते हो कि यू आर लिविंग इन एनी मोनार्की, सपोज़ आप नॉर्थ कोरिया में रह रहे हो, तो फिर वहाँ लेजिस्लेचर नहीं है, जो किम जोंग उन्होंने दे दिया तो वही लॉ है। ठीक है, तो लॉ की जो खास बात है, लॉ इज़ इन्फोर्सेबल बाय जुडिशल सिस्टम। इसका अगर आप वायलेशन करते हो तो आपको पेनल्टी लगेंगी, इसकी ब्रीच करते हो तो आपको कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये लॉ के बारे में है, और लॉ रिटन या अनरिटन मैनर में डिफ़ाइन होते हैं, और हमेशा इनके साथ एक खास बात होती है, इनको इनका इंटरप्शन किया जा सकता है, इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉ के साथ खास बात क्या है कि इनको सर्टेन प्रोसेस से जाना चाहिए। अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो, लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आपको पता है, मोशन आते हैं, देन रिजोल्यूशन आते हैं, और भी कई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं। ठीक है, वोटिंग होती है, कई बार 2/3 वोटिंग से होता है, कई बार स्टेट्स के पास जाते हैं। तो ये लॉ का एक स्पेशल कंसर्न है कि वोटिंग प्रोसीजर से जाना चाहिए। और कौन बनाता है लॉ? जुडिशरी बना सकती है, लेजिस्लेचर बना सकता है, पब्लिक ऑफिशियल्स बना सकते हैं। अगर लॉ गलत हैं तो जुडिशरी उनको रिव्यू कर सकते हैं। इंडिया में मोस्टली जो लॉ बनाती है वो जुडिशरी नहीं बनाती है। अब जैसे दिल्ली में क्या हुआ था कि पॉल्यूशन हो गया, तो जुडिशरी ने इवन ऑड स्कीम के लिए गाइडेंस दे दी, और जब गवर्नमेंट ने नहीं बनाया तो शायद जुडिशरी ने कह दिया कल से ऐसा होगा, तो फिर वहाँ पर जुडिशरी का रोल क्वेश्चन में आ गया। इंडिया में जुडिशरी के पास लॉ बनाने की अथॉरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ आपकी वोटिंग से आता है, यहाँ पर वोटिंग प्रोसीजर से आता है, और साथ में लेजिस्लेचर से आता है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये याद रखना, जुडिशरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लॉ नहीं बना सकती। अब हम डिफरेंस देखते हैं लॉ और एथिक्स में। तो अभी तक आपको समझ में आ गया, एथिक्स एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये डिफरेंस है, ये गाइडलाइंस है, बस आपको गाइड करती है कि ऐसे करना है। जैसे मैं आपको यूपीएससी के लिए कहता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, ये आपकी मर्जी है, आप उसे फॉलो ना करो या ना करो। लेकिन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यूपीएससी सीधे कहती है अगर आप एक माइनस गलत कर देते हो तो आपको -2/3 मार्क्स मिलेंगे, तो ये लॉ है। ठीक है, गवर्नड बाय लॉ हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न होता है। अब गवर्नमेंट में आपको, जैसे मैंने अभी इसी का एग्जांपल लिया, तो यूपीएससी इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आपने अगर आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 पढ़ा होगा, तो कैन यू आंसर मी कि यूपीएससी गवर्नमेंट है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एथिक्स इंडिविजुअल, लीगल या फिर प्रोफेशनल, इन नॉर्म से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एथिक्स में एक चीज़ जो टर्म है उसमें ये याद रखना, एथिक्स में नॉर्म्स ज़्यादा आती हैं और लॉ में आपके रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं। अगला डिफरेंस क्या है? लॉ रिटन और पब्लिश किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है मोस्टली राइटिंग में, हालांकि नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है, जैसे यूके में जो लॉ होते हैं 2000 नॉन रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड होता है, सबसे बड़ा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो एथिक्स क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये आपकी मर्जी, आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पता नहीं चलेगा। सॉक्रेट्स की एथिक्स और जो आपकी इमैनुअल कांट की एथिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। लॉ के वायलेशन के लिए पनिशमेंट होती है, याद रखना, इसके लिए पनिशमेंट फॉर एथिक्स, एथिक्स के वायलेशन के लिए नो पनिशमेंट फॉर वायलेशन नहीं होती है। इसमें पनिशमेंट क्या क्या होती है आपने पढ़ा होगा, इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन ऑब्लिक बोथ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये लॉ और एथिक्स में डिफरेंसेस हैं। ऑब्जेक्टिव लॉ का क्या है? सोशल ऑर्डर और पीस मेंटेन करनी है और सिटीजन को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, एथिक्स में क्या है? लोगों को हेल्प करना है, गाइडेंस देनी है कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग एंड हाउ टू एक्ट। जैसे मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ, देखो नितिन सिंघानिया फालतू बुक है, आपके ऊपर मर्जी है, आप मुझे गालियाँ दो या कुछ करो, लेकिन यू हैव टू फॉलो दीज ऑल थिंग्स। इसके बिना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। बाइंडिंग है, लॉ ऑब्वियसली लीगली बाइंडिंग है, एथिक्स इज़ नॉट बाइंडिंग इन नेचर। तो अगर हम इवेल्यूएशन करें लॉ वर्सेस एथिक्स का, तो देखो समथिंग मे बी लीगल, कोई चीज़ लीगल हो सकती है लेकिन हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकती है। इसको हम अभी मोरलिटी में और एक्सपेंड करेंगे अभी नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। कई बार हम किसी चीज़ को राइट कंसिडर करते हैं कि ये तो सही है, लेकिन वो लीगल नहीं होता। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल देखो लॉ वर्सेस मोरलिटी पर, नॉट ऑल इलीगल एक्ट्स आर इमोरल। जैसे ड्रिंकिंग, बच्चे हैं अगर दारू पी रहे हैं तो इलीगल है लेकिन इमोरल नहीं है, उसके लिए पी रहा है, क्योंकि मोरलिटी मतलब वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इसी तरह वैल्यूज़ ऑफ मोरालिटी को आप जब एक्सपेंड कर देते हो तो मोरालिटी वर्सेस एथिक्स, ठीक है। मोरालिटी मतलब एक इंसान की, एथिक्स मतलब इनफाइनाइट इंसान की, सोसाइटी की, ठीक है। ओवर स्पीड आप ड्राइव कर रहे हो, टैक्स रिटर्न्स नहीं भर रहे हो, और अगर आपने मतलब सिंपल बच्चों के लेवल पे पहले होता था, अब तो नहीं होता है कि एक केबल सिग्नल होता था, उससे आपने 2 टीवी कर दी, तो ये इलीगल है, पकड़े गए तो इलीगल है लेकिन इमोरल नहीं है, क्योंकि आपके लिए ठीक था, पैसा ज़्यादा ले रहा है, आपको पैसे नहीं है तो आपने उसको स्प्लिट कर दिया। नॉट ऑल इमोरल एक्ट्स आर इलीगल, ठीक है। जैसे आप अपनी स्पाउस को धोखा देके किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 4-4 लोगों को घुमा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट इलीगल, आपको उसके लिए कोर्ट जेल में नहीं भेज देगी। ब्रेकिंग अ प्रॉमिस, आपने किसी दोस्त को प्रॉमिस किया कि आजा कल अपन गोवा चलते हैं, तो ये इमोरल हो सकता है लेकिन इलीगल नहीं है। पुलिस आपको पीट नहीं देगी कि आपने दोस्त को कहा था गोया जाएंगे तो आप गोया मीन्स गोवा नहीं गए। और इसी तरह एबॉर्शन है, ये इमोरल हो सकता है, इलीगल नहीं। कई जगह एबॉर्शन इमोरल के साथ इलीगल भी है, तो वो डिपेंड करता है सोसाइटी सोसाइटी। लॉ एंड एथिक्स का जो मेन डिफरेंस है, लॉ ये बताते हैं और एथिक्स ये बताते हैं कि पर्सन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लॉ बताता है यू हैव टू डू इट, एथिक्स है यू मस्ट डू इट, मतलब आपको करना चाहिए ये, बट लॉ क्या कहता है कि आपको करना ही करना है। तो मेन डिफरेंस है लॉ इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है। एथिक्स क्या है, आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, जो मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने या मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ, ये इसका इवैल्यूएशन आप लॉ एथिक्स में लिखो। लेकिन ऑल्दो दोनों एक साथ नहीं चल रहा। कंक्लूजन जब आप लिखने आओगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव देना है, ऑल्दो बोथ आर मेड इन अलाइनमेंट सो दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे की माँ बहन नहीं कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, दोनों साइड बाई साइड जाते हैं, ठीक है, एक साथ चलते हैं, पैडल चलते हैं, वो डिसाइड करते हैं हाउ टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, और एवरी पर्सन इज़ इक्वल इन आइज ऑफ लॉ एंड एथिक्स। ये याद रखना, जो रूल ऑफ लॉ होता है आर्टिकल 14, वो एथिक्स के सामने भी हर इंसान इक्वल है। अगर आपने एथिक्स वायलेट की तो फिर आप गलत प्रूव हो जाओगे। तो अगले लेक्चर में हम नेचुरल वर्सेस पॉजिटिव लॉ देखेंगे। दिस इज़ काइंड ऑफ स्टैटिक टॉपिक, तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्सेसफुल हो गए। वाई एथिक्स एंड लॉ आर नॉट द सेम, क्वेश्चन यहाँ पर वाई है, रीज़न पूछे हैं, ये नहीं पूछा है कि क्या इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नहीं पूछा है। और साथ में एथिकल बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ट डिफाइंड विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ, तो ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। आंसर राइटिंग पोर्टल पर आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।